आज मैं एक बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए आज मैं अपनी लाइफ का एक पहला जो है लाइफ प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ स्टार होटल में जाके जहाँ पे काफी सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आने वाले हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड अलग अलग सिर्फ इंडिया से ही नहीं ऑस्ट्रेलिया यूके कैनेडा यूएसए बहुत सारे फॉरनर्स आए हुए हैं वहाँ पे वहां पे जाके मैं अपना एक खुद का प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ कि फाइव टिप्स टू स्काई रॉकेट योर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट मेरे को एज अ गेस्ट स्पीकर वहाँ पे बुलाया गया है सो एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ दिक्कत तरीके से वहाँ पे लोग आए हुए हैं और क्या क्या पे चल रहा है सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से लाइव इवेंट्स होते हैं और किस तरीके से इस तरह के जो ट्रेड फेयर्स होते हैं ये किस तरीके से आप भी काम में ले सकते हैं अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है नेटवर्किंग का पायस के साथ जुड़ने का अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए तो चलो मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये चीज़ होने वाला है मेरे लिए लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो मेरे को भी मज़ा आने वाला है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना मजा बहुत आने वाला है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मेरे को स्पीकिंग का अपॉर्चुनिटी मिला था ये मिला कैसा था तो आप लोगों को जैसे पता है कि मैंने अपने चैनल पे एक पॉडकास्ट किया था पीछे मेघला के साथ जो कि इंडिया सोर्सिंग नेटवर्क से थी और साथ में मार्केट भी थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स जो हैं ये फॉरेन बायर्स पसंद करते हैं इंडिया से लेना सोनी तो की तरफ से मुझे मेल आया था और बट मेल आया था कि इस तरह का एक इवेंट होने वाला है आ, इंडिया सोर्सिंग नेटवर्क Network का नेटवर्किंग इवेंट होने वाला है दिल्ली के रॉस होटल में तो आप आना चाहोगे बट उस टाइम पर प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरा जो था ना ऑलरेडी टिकट बुक था तारीख का और इन लोगों का जो इवेंट होने वाला था वो होने वाला था नौ और दस को। अब मुझे आना था इवेंट में मुझे पता है क्योंकि इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं ट्रेड शो होते हैं इसमें कुछ होना हो नेटवर्किंग हो, बहुत अच्छी होती है बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट मिलते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे लोगों से मिलते हैं बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ मिलते हैं उन लोगों के साथ नंबर एक्सचेंज एक्सचेंज होते है, होते हैं हैं कार्ड तो मुझे आना था तो मैंने बिल्कुल हाँ बोल दिया तो रिशेड्यूल करके मैं सीधा दिल्ली पहुंच गया फिर हुआ ये उन्होंने मुझे पहले बताया था कि ये जो है सिर्फ आप आ सकते हो मतलब फ्री में एंट्री होने वाली वैसे तो एंट्री लगने वाली थी वहाँ पे काफी बट मेरे लिए फ्री था क्योंकि मैं उनकी तरफ से एक एज अ गेस्ट आने वाला था तो उन्होंने मुझे बोला कि है तो मैंने रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ कर लिया फिर बाद में उन्होंने तारीख से आई गेस एक या दो दिन पहले मुझे बताया कि एक जो स्पीकर है वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई है ऑस्ट्रेलिया से थी वो नहीं आ पा रही तो क्या आप स्पीकिंग मतलब आप एक स्पीच दोगे यहाँ पे मैंने बोला यार ये अपॉर्चुनिटी कौन छोड़ेगा वैसे मैंने पहले कभी स्पीच नहीं दी थी तो मैंने सोचा यार क्यों नहीं करते हैं पहली बार ये सब कुछ पहली बार ही होता तो मैंने स्पीच स्पीच के लिए यहाँ बोल दिया अब उसमें हुआ ये कि अब नौ तारीख का इवेंट था नौ तारीख को मुझे स्पीच देनी थी उन्होंने मुझे बताया सात तारीख को अब मुझे पैकिंग भी करनी थी मेरी टिकट मेरी फ्लाइट भी थी आपकी आठ तारीख की अब फ्लाइट सुबह की फ़्लाइट थी रात को वहाँ पैकिंग करी सब कुछ करा रात तो आया उधर सुबह आया सो तो इसमें सारी चीज़ें मेरे तो ये प्रिपरेशन करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मेरे और जो ये पीपीटी है ना पीपीटी मैंने नौ तारीख की पहली वाली रात को यहाँ सुबह पहुँचा और उस रात को मैंने पीपीटी बनाई सुबह छः बजे तक और उनको भेजा मैंने फिर क्या था मेरी बारी आ गई सेकंड लास्ट स्पीच मेरी थी मेरे बाद जो जो के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव थे या कुछ फी की तरफ से आए हुए थे उनकी स्पीच मेरे बाद ठीक है पीपीटी वगैरह बना दी थी मैंने भेज दी थी उसके बाद और लास्ट मोमेंट में कुछ अमेंडमेंट भी करी थी मैंने अपनी स्पीच से पहले तो मेरे को एक तो पहली बारी था मेरा और प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं थी फिर भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया मैं कह रहा करना है तो करना है चढ़ गया स्टेज पर बट हुआ ये है कि स्टेज पे चढ़ने के बाद जो है ना यार इतने सारे लोगों के सामने इतने सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बैठे थे वहाँ पे और काफ़ी सही सही लोग बैठे थे फॉरेनर्स भी बैठे हुए थे उनको देख के मेरी हालत ख़राब हो गई बस उसके बाद तो मैं मैंने ना किसी आओ देखा ना ताओ देखा मैंने किसी की आँखों में नहीं देखा एक स्पीच देने का ना एक तरीका होता रुकते है रुकते हैं सवाल पूछते हैं लोगों से लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो सारी चीज़ें मैं भूल गया मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी स्क्रीन की तरफ देख रहा था मतलब कंटिन्यूसली बोला जा रहा था When I used to work, and then I started my uh, you, uh, then I started my own business. Then I uh, started my YouTube journey, and currently I am with EximPay, and I'll tell about EximPay at the uh, at the end of the presentation. So. एक तरह से मेरी अच्छी खासी गई थी उस दिन पे स्टेज पे चढ़ के इतने अच्छे लोगों के सामने चलो यार स्पीच तो मेरे को लगा कि यार इतनी 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 बुरी क्या मतलब, मतलब एक स्पीच देने का एक तरीका होता है बट मैंने उस तरह से नहीं दिया मैं गया और मैं बस देख के पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा so, uh, मैंने किसी की आंखों में नहीं देखा मैंने कुछ भी नहीं देखा कि क्राउड में कौन क्या कर रहा है कोई कुछ बोलना चाह रहा है कोई कुछ सवाल उठा रहा है कुछ नहीं मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहा था पीछे पी, -पी दिख रही थी वहाँ पर प्रोजेक्टर पर मैं तुरंत तुरंत तुरं मतलब तुरं फटाफट फटाफट बोल के मैं निकल गया मेरे को लगा कि यार इतनी बेकार स्पीच कही है कि इसके बाद तो कोई मेरे से बात भी नहीं करेगा बट क्योंकि मैंने पॉइंट्स जो दिए थे वो वैलिड पॉइंट्स थे पी जो है वो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे कल अपलोड हो जाएगी जो पूरा एक पोस्ट था आठ सा आठ दस पेजों का वो भी इंस्टाग्राम पर अपलोड हो जाएगा वीडियो जो है वो भी मैं यहाँ पर डालूंगा तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं कि किस बुरी स्पीच मैंने दी थी अपनी पहली स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी में तो, तो मुझे लगा कि यार इसके बाद मेरे से कोई बात तो नहीं करेगा बट हाँ बहुत सारे लोगों ने मेरे से बात करी क्योंकि जो पॉइंट्स मैंने बोले थे वो वैलिड पॉइंट्स थे फैक्ट मैंने बताया था चाहे बताने का तरीका थोड़ा बेकार था बट फैक्ट मैंने बताया था तो, तो काफ़ी सही रिस्पॉन्स मिला मेरे को काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों के साथ मैंने वहाँ पर कनेक्शंस बनाए बहुत सही सही एक्सपोर्टर्स से लेकर सर्विस प्रोवाइडर से लेकर बायर्स से लेकर फॉरनर से लेके कर सबसे मैंने बहुत सही मेरे कनेक्शंस बन गए इसीलिए मैं आप लोगों के साथ एक तो कहना कि सोशल मीडिया पर सब लोग अपना सक्सेस शेयर करते हैं मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ एक अपना फेलियर भी शो शेयर करूँ क्योंकि फेलियर से ही लोग जो है ना आगे की तरफ बढ़ते हैं फेलियर्स आते रहते हैं लाइफ में तो अपने को आगे बढ़ते रहना है बट फेलियर हुआ बट फेलियर का आउटकम देखा मैंने क्योंकि पहला स्टेप लिया तो आ, सब लोगों की तरफ से मेरे को मेल भी आया मैंने भी सब लोगों को रिप्लाई किया तो कनेक्शन बहुत अच्छे बिल्ड हुए तो मैंने मैंने ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये था कि इस तरह के ट्रेड शो जो होते हैं उसमें आप लोगों को भी जाना चाहिए मैंने रिसेंटली जो अपने डेली में हैंडीक्राफ्ट का ट्रेड शो हुआ वहाँ पर भी गया और वहाँ से मेरे को क्या मिला मैं आप लोगों को दिखाता हूँ देखो वहाँ से मेरे को मिला ये बुक इसमें है दो एक्सपोर्टर्स का वैलिड मतलब लिजिट एक्सपोर्टर्स का जो वहाँ पे थे जो सिर्फ़ और कुछ तो इसमें से ऐसे हैं जो सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं तो ये बुक मैं वहाँ से लेके आया हूँ वहाँ पे तो मुझे घुसने भी नहीं दे रहे थे कि क्योंकि वो जो आपका हैंडीक्राफ्ट जो पूरा ट्रेड फेयर था वो सिर्फ़ जो वहाँ पे मैन्यूफेक्चर जिन्होंने स्टॉल लगाए हुए थे वो और जो फ़ॉरेन बायर्स थे वो और जो सोर्सिंग एजेंट थे फॉरेन बायर्स के साथ आए हुए थे वो सिर्फ उनके लिए था मैं गया अब इतनी दूर से गया हूँ भाई घुसना तो छा ही है बस किसी तरह मैं घुस गया वहाँ पर मेरे अलावा मुझे नहीं लगता कि विजिटर्स होंगे ज़्यादा जो मेरी तरह ज़िद्दी होंगे वो आ गए होंगे एक दो सो so, इस तरह के ट्रेड शोज में आप मुझे लगता है कि आप लोगों को जाना चाहिए किसी भी तरह से जाओ बेजती कराओ कुछ भी कराओ बट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोर्स को हट के जाके तो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोर्स करने के बाद या करने से पहले यार इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोर्स करो मेरे को उससे कोई वो नहीं है मैं कई बार बोल देता हूँ तो आप लोगों को लगता होगा कि मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोर्स जो ट्रेनर लोग सिखाते हैं उसके अगेंस्ट हूँ नहीं अगेंस्ट नहीं हूँ खैर वो लोग को सिखाते तो है नहीं बट थोड़ा अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलो इस तरह के ट्रेड शोज में जाओ कनेक्शन बना वो ज्यादा काम आने वाला है आप लोगों का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोर्सेज है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोर्सेज में जो बेसिक शुरू वाले कोर्सेज में ये लोग कुछ भी नहीं सिखाते हैं इस तरह के ट्रेड शो में आप लोग भी जा सकते हैं इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं उसमें जा सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे कनेक्शन बनते हैं वहाँ से आने के बाद मेल करिए मैं एक मेल का फॉर्मेट आप लोगों को नीचे दे दूंगा हर बार की तरह और साथ ही साथ जो सारे इंपॉर्टेंट ट्रेड शो से लेके जो गवर्नमेंट वेबसाइट से लेके जितने इंपॉर्टेंट लिंक्स है रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो सारे मेरी डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आप लोग हर बार की तरह और साथ साथ इस मेल का जो है ना कभी भी आप लोग ट्रेड शोज में जाते हैं किसी भी नेटवर्किंग इवेंट में जाते हैं तो वहाँ पर आने के बाद ना हम लोगों को एक मेल भेजना होता है कि भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर ये ये मेरी कंपनी है कंपनी का प्रोफाइल करके वो मेल मैं आप लोगों को जो फॉर्मेट है वो नीचे दे दूंगा आप उसको एडिट करके अपनी कंपनी के हिसाब से भेज दिया करो तो ये मेरा वीडियो था कि मैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया कि और पूरा का पूरा वीडियो जो ना मैं यहीं कहीं अटैच कर दूँगा या तो वीडियो के बीच में या तो वीडियो के लास्ट में वो चाहे तो आप देख लेना और साथ ही साथ जो मेरा पी था उसको मैं एक इंस्टाग्राम पोस्ट बना के इंस्टाग्राम पेज पर भी डाल दूंगा तो आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया तो उस पर फॉलो करिए क्योंकि उस पर मैं बहुत ही तगड़े तगड़े शॉर्ट्स इन्फॉमेटिव शॉर्ट्स जो एक्चुअल में इंफॉर्मेटिव शॉर्ट्स हैं वो लाने वाला हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मेरा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है टेलीग्राम ग्रुप है एक्चुअली और टेलीग्राम ग्रुप को भी फॉलो करिए हमारा फेसबुक पेज है फेसबुक पेज को भी फॉलो करिए और इस तरह के ट्रेड शोज में जाइए बहुत अच्छे कनेक्शन बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टैक्स मिलते हैं नेटवर्क इज इसी नेटवर्क हाँ, ये था मेरी मेरी कहानी चलो इस बारी मेरा बेकार रहा बट अगली बारी मिलेगा मौका तो उड़ा देंगे और मेरे को बताइए कि आप लोग और किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना कोशिश करूंगा इस तरह के वीडियो बनाना थोड़ा टाइट शेड्यूल टाइट रहता है अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार